और जब मैंने तारे सवाल सवाल का भोजन करते रहिए तो जहाँ मान बारे मुझे दिमाग से कि वो पक्ष में दर्शन में है हजरत बाबा की माइक अगर नीचे होता तो ज़्यादा हम लोगों के लिए बेहतर होता। काफ़ी जो है ऊपर से सामना दिक्कतें महसूस होती है। अगर अंजुमनों के लिए तो बढ़िया है लेकिन जो है सामाइन हजरात के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। बहरहाल मतलब मैं तमाम शोरा और ज़ाकिर अहले बैत और मुन्ना अकीला साहब शोर भाई सबकी जानिब से पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए एक संवाद पढ़ दें तो मैं पेश करता हूँ। करें ओ
के शेरों से कहती है करबला जनाब। इंतजाम में
हमारी आवाज जनाब अर्शी वास्ती साहब और जनाब मोहम्मद सितैन साहब कांटी नागपुर, ये दोनों नाज़िम हज़रात तक हमारी आवाज पहुंच रही है, तो वो तशरीफ ले आए। और देखिए दरख्वास्त में भी तकरीबन लिख दिया गया था और बाकी एनजीओ से ये गुजारिश की जाती है, कमेटी ने गुजारिश की है कि वो अपना नाम मातम 25 से 30 मिनट तक वो खत्म करने की कोशिश करें ताकि बाहर के एनजीओ को भी मौका मिले और आप भी पढ़ा रहे वक्त से शब्बेदारी। मकसद ये नहीं कि शब्बेदारी बहुत आप तक सिर तक हमारी चलती रहे, आपको भी आराम मिले, सब मौला के मानने वाले हैं, आप शिरकत करते हैं आपको भी सवाब मिलता रहे। और युवाओं से गुजारिश है कि वो खास इस बात का ख्याल रखें, माइक से बार बार बोलते हुए अच्छा नहीं लगता कि आप अपना मातम खत्म कर दें या नौवा खत्म कर दें। 25 से 30 मिनट उनको वक्त दिया जाता है और बाहर के जो अनुमान हैं वो 1 घंटे के अंदर 2 नवाब वो पढ़ेंगे। एक इंशाल्लाह जल्दी, चूंकि 12-13 उन्होंने शहर की हैं, 10 उन्होंने बाहर की हैं, 2 नवाब खान हजरात भी हैं, इसलिए उनसे गुजारिश कर रही है तंजीम अदायशन के तमाम अरकान कि वो बहुत का खास ख्याल रखेंगे। आवाज़ दे रहा हूँ जनाब नकी शाह में जनाब नकी जौहरी साहब से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आवाज़ से बुलंद नारे सवाल से आप हजरात इस्तेमाल कीजिए। अगर नागपुर के अंजुमन अब्बासिया कांटी नागपुर तक पहुँच गई तो उनसे गुजारिश है कि वो जिस पर तशरीफ ले आए, क्योंकि मौलाना के फौरन बाद उनको बनाया, उसके बाद और शमशीर हैदरी सदर जो मौला तीसरा अंजुमन है, लेकिन ये 2 अंजुमनों के बाद एक बैरूनी अंजुमन भी जो भी आ जाएगी वो लग जाएगी। उम्मीद है कि लखनऊ की अंजुमन अंतरिम पहुँचने वाली है, वो नवा मतन करेगी और उसके बाद फिर कुरान ताज़ी होती रहेगी। बाकी अंजुमनों भी 2-2 अंजुमनों का कुरान करता रहेगा, देखिएगा कि मिसरा दिल खून हो तो शायद मातम का हक अदा हो, इसी मिसरे पे मतला और चंद शेर समाज फरमाए हजरात की, कोई हमें बताए ऐसा कहीं हुआ हो, कोई हमें बताए ऐसा कहीं हुआ हो, होठों पे तशनगी हो ठोकर में अलकमा हो, कोई हमें बताए ऐसा कहीं हुआ हो, कोई हमें बताए ऐसा कहीं हुआ हो, होठों पे तशनगी हो ठोकर में अलकमा हो, होठों पे तशनगी हो ठोकर में अलकमा हो, कोई हमें बताए ऐसा कहीं हुआ हो, होठों पे तशनगी हो ठोकर में अलकमा हो। सानी मतलब ये समझ फरमा ले कि दिल में चिराग इश्क़ सरवर जला हुआ हो, दिल में चिराग इश्क सरवर जला हुआ हो, इससे ज्यादा या रब किस्मत में और क्या हो, दिल में चिराग इश्क सरवर जला हुआ हो, दिल में चिराग इश्क सरवर जला हुआ हो, इससे ज्यादा या रब किस्मत में और क्या हो। शेर देखेंगे कि अश्क अज़ा हमारे हैं खुल्द की जमानत, फिर खैर देखेंगे अश्के अज़ा हमारे हैं खुल्द की जमानत, मुमकिन कहाँ है इससे बेहतर कोई सिला हो, अश्के अज़ा हमारे हैं खुल्द की जमानत, मुमकिन कहाँ है इससे बेहतर कोई सिला हो। ये भी शेर देखेंगे बतौर ख़ास की मजलूमियत पेश है कि आंसू बहाने वालों, मजलूमियत पेश है कि आंसू बहाने वालों, मखलूक हक में तनहा जहरा की तुम दुआ हो, मखलूक हक में मजलूमियत पेश है कि आंसू बहाने वालों, मजलूमियत पेश है कि आंसू बहाने वालों, मखलूक हक में तनहा जहरा की तुम दुआ हो।
मखलूक के हक में तन्हा जहरा की तुम दुआ हो तो हुरमत अजायश की पामाल हो न जाए, हुरमत अजायश की पामाल हो न जाए, यानी यजीदियत से इतना तो फासला हो। हुरमत अजायश की पामाल हो न जाए, यानी यजीदियत से इतना तो फासला हो, तो उसको डराएं कैसे ये सरफिरे यजीदी, उसको डराएं कैसे ये सरफिरे यजीदी जिसकी रगों में खून मज़लूम बह रहा हो। उसको डराएं कैसे ये सरफिरे यजीदी जिसकी रगों में खून मज़लूम बह रहा हो। हुज़ूर क़ताबत में समाअत फरमाने की बातिल ने मोइज़ा फिर देखा नहीं कि कोई, बातिल ने मोइज़ा फिर देखा नहीं कि कोई कुरान खुद सेना पर कुरान पढ़ रहा हो, बातिल ने मोइज़ा फिर देखा नहीं कि कोई, बातिल ने मोइज़ा फिर देखा नहीं कि कोई बातिल ने मोइज़ा फिर देखा नहीं कि कोई कुरान खुद सेना पर कुरान पढ़ रहा हो। तो बैत की भीख लेने आए थे उसके दर पर, बैत की भीख लेने आए थे उसके दर पर, जो फ़क्रे अंबिया हो जो मर्ज़ी खुदा हो। बैत की भीख लेने आए थे उसके दर पर, जो फ़क्रे अंबिया हो जो मर्ज़ी खुदा हो। शेर देखें बतौर ख़ास कि एक मुश्ते खाक रखना मेरी लहत के अंदर, एक मुश्ते खाक रखना मेरी लहत के अंदर, वो खाक जिसमें खून मज़लूम करबला हो। एक मुश्ते खाक रखना मेरी लहत के अंदर, वो खाक जिसमें खून मज़लूम करबला हो। तो यूँ भी शेर मैं उन माओं को खराज अकीदत के तौर पर शेर पेश कर रहा हूँ जिन माओं ने अपने जवान बेटों को खोया है अज़ाए मज़लूम करबला पे, कि वो दुश्मन अज़ा को कैसे मुआफ़ कर दे, वो दुश्मन अज़ा को कैसे मुआफ़ कर दे, अपना जवान बेटा जिस माँ ने खो दिया हो। वो दुश्मन अज़ा को कैसे मुआफ़ कर दे, दुश्मन अज़ा को कैसे मुआफ़ कर दे, अपना जवान बेटा जिस माँ ने खो दिया हो, अपना जवान बेटा जिस माँ ने खो दिया हो। भी शेर देखें बतौर ख़ास हुज़ूर की, या रब दुआ है तुझसे जब मौत आए मुझको, या रब दुआ है तुझसे जब मौत आए मुझको, चौखट पे शाहिदी की ये सर मेरा झुका हो। या रब दुआ है तुझसे जब मौत आए मुझको, या रब दुआ है तुझसे जब मौत आए मुझको, चौखट पे शाहिदी की ये सर मेरा झुका हो, चौखट पे शाहिदी की ये सर मेरा झुका हो। तो क्यों ना इबादतों की जीनत कहें हम उसको, क्यों ना इबादतों की जीनत कहें हम उसको, जिस नातवा का सजदा कांटों पे भी अदा हो। क्यों ना इबादतों की जीनत कहें हम उसको, जिस नातवा का सजदा कांटों पे भी अदा हो। ये विषय देखें कि किस दिल से बाप बेटे, किस दिल से बाप भेजे कड़ियल जवान को रन में, किस दिल से बाप भेजे कड़ियल जवान को रन में, किस दिल से बाप भेजे कड़ियल जवान को रन में, जो हक का आईना हो हम शक्ले मुस्तफ़ा हो। किस दिल से बाप भेजे कड़ियल जवान को रन में, कोई हमें बताए ऐसा कहीं हुआ हो, कोई हमें बताए ऐसा कहीं हुआ हो, होठों पे तशनगी हो ठोकर में अलकमा हो। कोई हमें बताए ऐसा कहीं हुआ हो, ठोकर में तशनगी हो, होठों पे तशनगी हो ठोकर में अलकमा हो, होठों पे तशनगी हो ठोकर में अलकमा हो। ये भी शेर देखें कि तीरों पे है मुअल्लक, तीरों पे है मुअल्लक तशना दहन का लाशा। बतौर ख़ास देखिए हुज़ूर की, तीरों पे है मुअल्लक तशना दहन का लाशा, माबूद अब मुअद्दत इससे ज़्यादा क्या हो। तीरों पे है मुअल्लक तशना दहन का लाशा, माबूद अब मुअद्दत इससे ज़्यादा क्या हो। सदियाँ गुजर गई हैं सरवर के गम में लेकिन,
सदियां गुजर गई हैं सरवर के गम में, लेकिन यूं लग रहा है जैसे ये गम नया नया हो। सदियां गुजर गई हैं सरवर के गम में, लेकिन यूं लग रहा है जैसे ये गम नया नया हो। और मक्ता और तज़मीन दोनों साथ में समाअत फरमा लें कि देखेंगे कि खूने जिगर को नजमी आँखों से तुम बहाओ, खूने जिगर को नजमी आँखों से तुम बहाओ, दिल खून हो तो शायद मातम का हक अदा हो। खूने जिगर को नजमी आँखों से तुम बहाओ, दिल खून हो तो शायद मातम का हक अदा हो। खूने जिगर को नजमी आँखों से तुम बहाओ, दिल खून हो तो शायद मातम का हक अदा हो। तो कोई हमें बताए ऐसा कहीं हुआ हो, कोई हमें बताए ऐसा कहीं हुआ हो, होठों पे तशनगी हो ठोकर में अलकमा हो। ये थे जनाब नबी नूरपुरी साहब, जो कि अपना काम पेश कर रहे थे। जनाब जैकी साहब, तहसीन शाही साहब या शौकत अली मुन्ना केला साहब, जो भी जिम्मेदार हैं शब्दाटी के, मुझे गुजारिश है कि कापटी नागपुर से जो जिम्मे नबासिया आई है उनके नागपुर के मक्शदा पर तशरीफ पे आए, हमारी फेरिस में सिर्फ दो शोला जनाब शाहनाज गंगोली साहब, जनाब शाहनाज गंगोली साहब हमारे तशरीफ रखते हमारे नाम से वो नहीं है, मैं बहुत ही अदब के साथ शायद मैं जनाब हिजाब इमाम गंगोली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए अपना कलाम पेश करें। जनाब हिजाब इमाम गंगोली साहब के बाद माननीय मिश्रा जनाब डॉक्टर शोहरत जौनपुरी साहब अपना कलाम पेश करेंगे। गुजारिश है कि मौलाना मौसूफ को जल्द से जल्द पर्चा पर लेकर आ जाए। जनाब हिजाब इमाम गंगोली साहब अपना कलाम पेश करने जा रहे हैं, आप अदा सम्मान करते रहे जब तक। एक मतला और चंद शेर।